नमस्कार, मैं स्पोकन इंग्लिश से मिथिलेश तिवारी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पार्सिंग ऑफ नाउंस बताऊंगा। अगर आप पार्सिंग ऑफ नाउंस में माहिर हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो आपके लिए खतरे की घंटी है। आइए सीखते हैं पार्सिंग ऑफ नाउंस है क्या, एक एक करके। तो पार्सिंग ऑफ नाउंस जिसका अर्थ होता है पद व्याख्या, अर्थात एक वाक्य होगा, वाक्य के जितने वर्ड होंगे उनके एनालिसिस करना है क्या क्या है। तो विशेषकर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन को लिया है पार्सिंग के लिए। तो सबसे पहले पार्सिंग के लिए आपको नाउन में काइंड ढूंढना है कि कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, इसको आपको ढूंढना है। नंबर में जाना है, दो नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर दूसरा प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर का नाउन है प्लूरल नंबर का नाउन है, ये ढूंढना है। जेंडर, जेंडर में जाना है और जेंडर में आपको ढूंढना है कि मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है कि फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, कॉमन जेंडर है कि न्यूटर जेंडर है, इसको आपको ढूंढना है। केस में जाना है, कर्ता में ढूंढना है कि नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है कि ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक है कि पजेसिव केस है, अधिकार सूचक है, अधिकार जता रहा है। रिलेशन में जाना है, नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट टू द वर्ब ढूंढना है और ऑब्जेक्ट केस में ऑब्जेक्ट टू द वर्ब ढूंढना है, पजेसिव केस में पजेसिव टू द वर्ब ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब ढूंढना है। तो पार्सिंग करना नहीं आता है तो आप माहिर बनिए, हम आपको सिखाएंगे कैसे माहिर बना जाता है। तो सेंटेंस लेते हैं, राम पनिश्ड हिज ब्रदर, एक सेंटेंस है और इसमें चार वर्ड है, राम पनिश्ड हिज ब्रदर, चार वर्ड है और उससे सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो राम एक, पनिश्ड दो और हिज और यहाँ का ब्रदर। तो राम को तो आपको क्लियर हो रहा होगा प्रॉपर नाउन है, लेकिन ब्रदर में आप कंफ्यूज करेंगे तो उसको आप दूर करिए। तो राम को लेते हैं, राम एक जो है काउंटेबल नाउन है, राम का नाउन में अगर आए प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक नेम है, नेम ऑफ अ पर्सन है, किसी स्पेसिफिक नेम को बताता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन। और राम को अगर ले नंबर में तो सिंगुलर नंबर में है, अर्थात जो सिंगुलर नंबर में है। सब्जेक्ट ले तो ये जो है सेंटेंस, अर्थात राम वहाँ पूरा कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, एक सब्जेक्ट है सेंटेंस में। जेंडर ले तो जेंडर में जो है ये मैस्कुलिन जेंडर है, अर्थात पुल्लिंग है, और सब्जेक्ट में जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अर्थात कर्ता कारक है। केस में अगर जाएंगे नॉमिनेटिव केस है और सब्जेक्टिव केस है। तो आप देखिए इधर पनिश, अगर राम पनिश्ड हिज ब्रदर, राम ने अपने भाई को दंडित किया, ये है। तो पनिश्ड क्या है इसको देखते हैं, राम पनिश्ड अर्थात राम पनिश्ड, राम ने दंडित किया अपने भाई को, तो पनिश्ड क्या है, सब्जेक्ट टू द वर्ब है, सब्जेक्ट टू द वर्ब है। और अगर ब्रदर में जाए, यहाँ का ब्रदर जो चौथे नंबर का है, यही और पहले नंबर का राम, यही दो नाउन है। तो ब्रदर की अगर पार्सिंग करें तो नाउन है और ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन क्या होता है हम आपको सिखाएंगे बताएंगे। नंबर सिंगुलर नंबर में है, जेंडर मैस्कुलिन जेंडर में है, और केस देखें तो ऑब्जेक्टिव केस है, अर्थात कर्म कारक है, अर्थात राम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर ब्रदर है, अर्थात सेंटेंस में ब्रदर जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और ऑब्जेक्ट टू द वर्ब पनिश्ड है, ठीक है। इस तरह से हर सेंटेंस का, हर वर्ड का पार्सिंग आप करिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, राम्स काइंडनेस सेव्ड मी फ्रॉम ट्रबल्स, राम की दयालुता ने मुझे परेशानियों से बचा दिया, मुझे कठिनाइयों से बचा दिया। तो यहाँ पर जो राम्स है वो क्या है इसको देखते हैं। तो राम्स काइंडनेस सेव्ड मी फ्रॉम ट्रबल्स, राम्स एक वर्ड है, काइंडनेस दूसरा है, सेव्ड तीसरा है, मी चौथा है, फ्रॉम पांचवा है, ट्रबल्स छठवां है। तो राम्स यहाँ का जो है नाउन है और ट्रबल्स यहाँ का नाउन है। तो राम्स अपोस्ट्रोफी एस है, अर्थात का के की को बता रहा है यहाँ पर। तो राम्स नाउन है तो प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नेम है राम्स, अर्थात यहाँ पर जो है यस लगा हुआ है। तो राम्स प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक नेम है, नंबर में सिमिलर नंबर है, जेंडर में जाए तो मैस्कुलिन जेंडर है, अर्थात पुरुष वर्ग का है, पुल्लिंग है, और केस में जाए तो पजेसिव केस है, अर्थात अधिकार सूचक है। राम की दयालुता, अब ये जो काइंडनेस है, काइंडनेस भी यहाँ का एक जो है नाउन है। तो एक नाउन ये और एक नाउन काइंडनेस और ट्रबल्स यहाँ का तीसरा नाउन, तीन नाउन आपको मिल रहे हैं। तो काइंडनेस की पार्सिंग अगर करें तो नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है दयालुता,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और नंबर में जाए तो सिंगुलर नंबर है, जेंडर में जाए तो न्यूटर जेंडर है, न्यूटर जेंडर है, ध्यान रखिएगा। अर्थात ये जिसको बोलते हैं आप नपुंसक लिंग में है, निर्जीव में है, नपुंसक लिंग में है, केस है, नॉमिनेटिव केस या कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस है। तो रामास काइंडनेस यहाँ का पूर्ण सब्जेक्ट है, राम की दयालुता, रामास काइंडनेस। सेव्ड यहाँ का सेव टू द वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है। और ट्रबल्स की अगर पार्सिंग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, यूज एज अ कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, नंबर है प्लूरल नंबर में, ना ध्यान रखिएगा क्योंकि यस लगा हुआ है, तो ट्रबल्स है, ट्रबल नहीं है, ट्रबल होता तो क्या हो जाता, वो सिंगुलर नंबर में हो जाता, लेकिन ट्रबल्स है, जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, अर्थात नपुंसक लिंग में है, केस ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है ट्रबल्स, और अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अगला आपके लिए सेंटेंस है, सिंगिंग इज माई हॉबी, डांसिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी, टीचिंग इज माई हॉबी। इसको आपको पार्सिंग करना है, एक एक करके बताना है क्या है। आपको लग रहा होगा कि सिंगिंग यहाँ क्या नाउन है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो नाउन है तो कौन सा नाउन है आप बताइएगा मुझे, डांसिंग और टीचिंग कौन सा नाउन है आप पार्सिंग करके मुझको बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।